हेलो एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्चे आम की चटनी, बहुत ही टेस्टी खट्टी मीठी चटनी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही इजी स्टाइल में बनाने जा रही हूँ, ये 5 मिनट के अंदर बनके तैयार हो जाएगी। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आने वाली है चटनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी। आम की स्पेशल खट्टी मीठी चटनी को बनाने के लिए हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा मेथी दाना करीब आधा चम्मच, सौंफ, जीरा, अजवाइन और कलौंजी, साथ में यहाँ डाल देंगे थोड़ी सी हींग, मैंने पाउडर का इस्तेमाल किया है। हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई हो चुका है, इसके अंदर हम डाल देंगे कच्चे आम। ये मैंने कच्ची आम भी ली है 4 और इसे लंबे टुकड़ों में काटा है। मसालों के साथ भून लेंगे। इसके अंदर हम डाल देंगे आधा कप पानी, 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे। 2 मिनट हो गए हैं, कवर को उतार देंगे। इसमें डालेंगे देगी मिर्च आधा चम्मच, लाल मिर्च, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, नमक आधा चम्मच, काली मिर्च पाउडर आधा चम्मच, थोड़ा सा हम फ्लेवर के लिए डालेंगे काला नमक, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसमें डाल देंगे गुड़, जिसे मैंने क्रश कर लिया है, करीब 2 बड़े चम्मच मैंने गुड़ डाला है। आप अपने हिसाब से मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपने देखा ये 5 मिनट के अंदर हमारी खट्टी मीठी आम की बहुत ही टेस्टी ये चटनी बनके तैयार होती है, बहुत ही अच्छी लगती है। 1 मिनट के लिए हम इसे कवर करेंगे, ना भी करो तो भी चलेगा। 1 मिनट हो गया है, फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। वाओ, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी, रोटी के साथ, पूरी के साथ, परांठे के साथ बहुत अच्छी लगती है। आजकल सीजन है आम का और ऐसे चटनी बनाएंगे, सिर्फ 5 मिनट में तैयार हो जाती है चटनी और बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इस चटनी को ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको ये चटनी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।